हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाही किचन। मैं हूँ स्मृति और आज हम बनाने वाले हैं अनरसा। ये बहुत ही इंस्टेंट अनरसा है। इसमें ना हमने चावल को भिगोया है ना पीसा है। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनती है। बहुत बार होता है कि अनरसा ऑयल में डालने के बाद बिखर जाते हैं या बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कुछ भी नहीं होगी और आपके अनरसे बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएंगे। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए परफेक्ट अनरसा बनाकर तैयार करते हैं। इन्हें मैंने दो शेप्स में बनाया है, आपको जो पसंद हो आप उस शेप में बना सकते हैं। मैंने इसे एक चपटा और एक बिल्कुल राउंड शेप दिया है अनरसे की गोली जैसी। तो आपको जिस तरह से भी बनाकर खाना हो आप उस तरह से इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और उस पैन में मैंने डाला है एक कप चीनी। मेज़रमेंट का बिल्कुल खास ध्यान रखना है। मेज़रमेंट अगर 19-20 भी हो जाता है तो आपके अंदर से ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो मेज़रमेंट का बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी एक बाउल या कुछ भी सेट कर लें और देखिए जिस कप से मैंने चीनी डाला है ना, सेम कप से मैं 1.5 कप पानी डालूंगी शुगर के अंदर। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट। आप कोई भी घर का कुछ भी कटोरी या कोई भी कप सेट कर सकते हैं। 1 कप चीनी, 1.5 कप पानी और इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी और पानी अच्छे से घुल ना जाए और एक बार चीनी में बॉयल ना आ जाए। कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बॉयल आना है। जैसे ही एक बॉयल आएगा आपको फ्लेम को कर देना है लो और लो फ्लेम पर आपको इसके अंदर ऐड करना है चावल का आटा। ये इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे और चावल का आटा इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और चावल का आटा कितना लेना है, तो जितना हमने शुगर लिया है उसका डबल हम चावल का आटा लेंगे। तो देखिए 1 कप मैंने मिक्स कर दिया है, देन अगेन 1 कप और मैं ऐड करूँगी इसके अंदर और दोनों कप हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट बता रही हूँ। अगर बिल्कुल भी आपने मेज़रमेंट का ध्यान नहीं रखा तो फिर ये दिक्कत कर सकता है। देखिए इस तरह से ये मिक्स हो गया है अच्छे से। 1 मिनट में ये मिक्स हो जाता है। अभी ये आपको इस तरह से ड्राई ड्राई सा लग रहा होगा बट ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही गीला हो जाएगा। बस जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना तो आपको क्या करना है, इस देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसको। अच्छे से मिक्स होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगा है। इसे मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ना है, ज़्यादा देर ना छोड़े। और 5 मिनट बाद मैं इसका लिड हटाऊंगी। ये अभी भी बहुत गर्म है तो इसे अभी मैं खाली एक जो हम बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें हमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बस इस तरह से मैंने सारा जो ये मिक्सचर है उसको मैंने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसको ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा होने देंगे कि जब हम हाथ लगाए ना तो हल्का सा गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो, इतना हम इसको ठंडा कर लेंगे। 5 से 7 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। बस ये हल्का सा गर्म रह गया है। अब इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। ये देखिए ये बड़े चम्मच हैं और टीस्पून से देखें तो ये 3 टेबलस्पून घी है। अब ये घी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करूँगी बिल्कुल अच्छे से। ये अभी गर्म है, हल्का सा गर्म है, ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ है। अच्छे से इसको नीट करेंगे जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट डो जैसा ना बन जाए। और देखिए बहुत ही गीला हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में, आपको बहुत इजीली ये बन जाएगा। देखिए सॉफ्ट डो सा बन जाएगा। इसे लगातार इस तरह से नीट करेंगे, 2 से 2.5 मिनट नीट करेंगे तो इस तरह से देखिए ये बिल्कुल चिकना घोल बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने एक प्लेट में तिल ले लिए हैं और ये देखिए आपको जिस साइज़ का बनाना हो उस साइज़ का एक पेड़ा लीजिए और उसको राउंड शेप देके इस तरह से हाथों की हेल्प से आप इसको चपटी चपटी जैसे मठियाँ बनाते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल भी ना फटेंगे। हल्के से गीले हैं ये तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप इस तरह से इसको आराम से प्रेस कर करके अगर बनाने में दिक्कत हो रही हो तो हल्का सा घी ग्रीस कर लें हाथों पे, बहुत इजीली बन जाता है ये। और देखिए इस तरह से मैंने इसे हल्का सा चपटा कर लिया है बिल्कुल इस तरह का। और इसे हम अब तिल्ली में अच्छे से डिप कर देंगे। देखिए अच्छे से हमने इसके ऊपर तिल्ली लपेट दिया है और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो भी इसके अंदर तिल्ली है ना वो अच्छे से चिपक जाए। बस इस तरह से इसे हमने बना लिया है। देखिए ये हमारे चपटे वाले अनरसे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और इस तरह से हम इसको प्लेट में रख लेंगे। अब मैं आपको गोलियां बनाकर दिखाती हूँ। तो इसी में से थोड़ा सा डो लेंगे, जितना बड़ी आपको गोलियां बनानी है और राउंड शेप दे दिया। इसे अच्छे से लपेटेंगे इसके अंदर, देखिए इस तरह से, ताकि इसके अंदर अच्छे से चिपक जाए। हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो ये तिल्ली है वो अंदर प्रेस हो जाए और जब हम ऑयल में फ्राई करें ना तो ये ज़्यादा निकले नहीं, निकलते हैं थोड़े बहुत पर ज़्यादा नहीं निकलते। देखिए इस तरह से हमने प्रेस करके इस तरह से हमने गोलियां बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए दोनों शेप में से आपको जो पसंद हो आप उस शेप में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ऑयल को ना अच्छा गर्म कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से इसको गर्म कर लेना है, जलाना नहीं है, बहुत अच्छे से इसको गर्म कर लेना है। जब इसमें से हल्की हल्की सी भाप आने लगे ना, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। देखिए मैंने इस तरह से चेक किया, हल्का सा डो डाल के ये फटाफट से ऊपर आ जाएगा,
तो बस इतना गर्म हमको ऑयल करना है। उसके बाद जब हमको गैस के फ्लेम को कर लेना है बिल्कुल लो, और जब हम इसको डालेंगे ना तो गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल अच्छा गर्म नहीं होगा तो आप जब डालेंगे तो ये बिखर सकता है। तो ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लें और जब इसको डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे ना तो आपके अंदर से बड़े ही परफेक्ट बन कर आएंगे। और देखिए इस तरह से मैंने गोलियां भी इसके अंदर डाल दी है। गोलियों को फ्राई होने में इन जो चपटे वाले हैं ना उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट। इन्हें फ्राई करने के लिए हमें बिल्कुल भी इनको छेड़ना नहीं है। देखिए इनको इस तरह से डाल के और 3 से 4 मिनट हमने लो फ्लेम पर ही अच्छे से कुक करना है। कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। इसको ज़्यादा हाथ लगाएंगे तो ये बिखर सकता है, इसलिए बिल्कुल इसे हाथ ना लगाएं और आराम से सिकने दें, बिल्कुल आराम से। जो ट्रेडिशनली जो अनरसे बनते हैं ना वो एक ही तरफ से फ्राई होते हैं, बट हमने इसे इंस्टेंट बनाया तो इसे हम दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट तक ये आराम से भुन रहे हैं, आराम से ये फ्राई हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल में पड़े हैं, बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और बहुत ही ईजिली ये बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा इनमें गोल्डन कलर, जब एक साइड से जब आपको लगे ना ऊपर से कि अच्छा कलर आने लगा है तब हम इसको टर्न करेंगे। उससे पहले आपको इसे टर्न नहीं करना है। इसको सिकने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए इस तरह से हल्का हल्का ऑयल डालें, ज़्यादा इसको छेड़खानी नहीं करनी। और अब देखिए इस तरह से हल्का हल्का ऑयल डालेंगे हम, 4 से 5 मिनट हो चुका है। देखिए अब मैं इसको हल्का सा टर्न कर रही हूँ, देखिए इस तरह से, देखिए एक तरफ से कलर आ चुका है तब हम इसके और टर्न कर रहे हैं। लगभग 5 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे कुक होते हुए, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको अभी। अब आप चाहें इस स्टेज पे फ्लेम को मीडियम कर दें, जब एक साइड से आप पलट देंगे ना तब आप फ्लेम को मीडियम कर देंगे, हाई नहीं करेंगे, बस मीडियम करना है, हल्का सा बढ़ा देना है फ्लेम को। और अगेन 3 से 4 मिनट आपको कुक करना है, लगभग 10 मिनट तक आराम से इसको फ्राई होने में लग जाएगा तभी ये अच्छे से सिकेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, ऊपर से तो ये सिक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, अंदर से ये अच्छे से नहीं पक पाएंगे। देखिए इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है, 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब इस तरह से एक एक को हम निकाल लेंगे छन्नी की हेल्प से। देखिए इस तरह से मैंने इसको छन्नी की हेल्प से निकाल लिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ना ये आराम से निकल जाए। देखिए हमारी तिल्लियाँ जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं जली हैं क्योंकि हमने इसे सिकने में ना बहुत अच्छे से इसे सेका है लो फ्लेम पे, फिर हमने मीडियम किया। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो जो इसके ऊपर आपने तिल्लियाँ चिपकाई हैं ये सारी की सारी तिल्लियाँ ब्लैक पड़ जाएंगी और ये आपके अच्छे फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए फ्लेम का ध्यान रखें, पहले फ्लेम को स्टार्टिंग में लो रखेंगे, एक बार जब टर्न कर देंगे तब हम इसको मीडियम रख कर देंगे फ्लेम को। और इस तरह से हमने सारी गोलियां और ये जो चपटे वाले पेड़े टाइप के हैं ये सब बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी साउंड दे रहा है, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर आए हैं। और तोड़ने में देखिए कितने ईजिली ये टूट रहे हैं, अंदर से बिल्कुल खस्ता है। स्टार्टिंग में जब आप इनको ऑयल से निकालेंगे आपको थोड़े से सॉफ्ट दिखेंगे, पर जैसे जैसे थोड़ा टाइम होगा ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी खस्ता नस्ता हमारा बनकर आता है। और इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप तीज त्योहारों में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखिए बिल्कुल ही वाइट वाइट हमारी तिल्लियाँ हैं, तिल्लियाँ बिल्कुल भी नहीं जली हैं। तो इसी तरह से आप फ्राई करेंगे ना तो आपके भी अनर से बिल्कुल परफेक्ट बन के आएंगे। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और परफेक्ट अनर से बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।